वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरे होम टाउन का मार्केट, क्योंकि मुझे मार्केट से कुछ खरीदना था तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक प्रॉपर वीडियो ही बना लिया जाए। तो चलिए चलते हैं मार्केट और दिखाती हूँ मैं कि मैं क्या क्या खरीदती हूँ और कैसा है हमारे होम टाउन का मार्केट। वैसे मैं ऑटो की हेल्प से जा रही हूँ रमेश चौक, क्योंकि रमेश चौक से ही हमारा मार्केट स्टार्ट होता है और यहाँ इतना ज़्यादा जाम रहता है कि मैं क्या ही बताऊँ। बट कोई नहीं, होता रहता है, रोड पे तो जाम लगते ही रहते हैं। तो मैं जा रही हूँ स्टोर, क्योंकि मुझे स्टोर पे कुछ सामान खरीदना था। तो मैंने उन्हें बोला लिपस्टिक का कलेक्शन दिखाने, तो यही देखिए ऐसा ऐसा लिपस्टिक वो मुझे दिखा रहे थे, काफ़ी प्यारा प्यारा कलर थे। तो उसमें एक लिपस्टिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, वैसे वो वीडियो में नहीं आया है बट मैं आपको दिखा दूँगी। और ये प्यारे प्यारे क्लिप एंड और भी कुछ मुझे लेना था तो मैंने यहाँ से ले लिया। वैसे काफ़ी प्यारे प्यारे क्लिप थे, बेबी क्लिप। और दूर से मुझे ये नज़र बट्टू बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया, तो मुझे तो ये एक ही नज़र में इतना प्यारा लगा कि मैंने इसे ले ही लिया तुरंत। उसके बाद मैं मार्केट के और अंदर गई, क्योंकि मुझे और भी सामान लेने थे जो इनके दुकान पे मुझे नहीं मिला। वैसे मुझे क्लिप भी लेना था जो मुझे इनके पास नज़र आया, तो मैंने तुरंत से उसे भी ले लिया, क्योंकि फिर पता नहीं मैं भूल जाती हूँ तो फिर दिक्कत हो जाती है मुझे, तो फाइनली मैंने इसे भी ले लिया। फिर मैं पहुंची एक दूसरे स्टोर पे, इनके पास से मुझे इयररिंग लेना था, ये काफ़ी अच्छा कलेक्शन रखते हैं और मुझे एक कलर पसंद आया तो मैंने एक ले लिया। और मुझे और भी जो जो सामान लेना था मैंने इनके दुकान से सारा ले लिया, ये है वो सब। और मुझे रिंग भी पसंद आ गया तो मैंने इसे भी ले लिया। वैसे इनके पास काफ़ी प्यारे प्यारे गिफ्ट के कलेक्शन थे, तो अगर मुझे फिर लेना हो तो मैं इनके पास ज़रूर आऊँगी। वैसे मुझे गिफ्ट देना ही किसे है, सारे लोग मुझे गिफ्ट दिया करें। उसके बाद मुझे मेरी मम्मी के काम से एक और स्टोर पे जाना पड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप था यहाँ, इतना ज़्यादा मार्केट में धूप थी कि मेरी हालत ख़राब हो गई थी धूप के कारण। इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी मुझे कि मैं क्या बताऊँ आपको। वैसे धूप में कभी भी मार्केट मत जाइए भाई, इतना हालत ख़राब हो जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। इतना ज़्यादा भीड़, ऊपर से गर्मी, हैराम। उसके बाद मैं गई अपनी मम्मी के लिए जो जो सामान लेने थे, उसके बाद मैंने मम्मी का सारा सामान लिया यहाँ से। उसके बाद फाइनली मैंने सब कुछ ले लिया था जो भी मुझे लेना था, और इतना ज़्यादा धूप था कि मुझे स्टॉल ही निकालना पड़ गया। और उसके बाद धूप ने मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी कि मेरा गला प्यास के मारे सूख रहा था, तो मैं कुछ ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ मिल जाता। वैसे यहाँ प्यारे प्यारे मुझे इयररिंग मिले, जो कि मुझे लेने तो नहीं थे बट प्यारे थे। और यहाँ पर सूट वगैरह भी मिलते रहता है, अगर आपको लेना हो तो आप आके ले सकते हो। मैं पहुँच हुई बादाम शेक के पास, क्योंकि मुझे बादाम शेक बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप कभी ट्राई नहीं किया हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए, दिल से इतना ज़्यादा सुकून मिलेगा पी के आपको कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब इसकी कितनी भी तारीफें कर लो ना, कमी है। मतलब इसके पीने के बाद मुझे जो सुकून और राहत मिली ना, वो मैं ही जानती हूँ। इस गर्मी में देख सकते हैं आप मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। तो फाइनली यही था आज का वीडियो और हो गया हमारा मार्केट ख़त्म। तो अब मैं जा रही हूँ घर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। बाय बाय।